जहिन साथियों, यूं तो भारत में अनेक साहस और वीरता की कई मिसालें हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सैनिकों की तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारतीय सैनिकों ने अपनी ताकत का परिचय पाकिस्तान को कई बार दिया है और शायद वे यह बात जान चुके हैं कि भारत के सैनिकों से जीतना नामुमकिन है। खैर, केवल पाकिस्तान ही ऐसा देश नहीं है जिसने हार का स्वाद चखा है, इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां भारतीय सैनिकों ने झंडे गाड़े हैं। स्वतंत्रता से पहले भी भारतीय सैनिकों ने कई युद्ध लड़े हैं, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध ही क्यों ना हो, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, मिस्र, बर्मा, मलय, जापान, यूरोप या इजराइल के हाइफा शहर का युद्ध ही क्यों ना हो, जिसमें भारतीय सेना व उनकी रेजिमेंट ने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। इस कड़ी में आज हम आपको कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में बताने वाले हैं, जो अपनी निडरता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। इस रेजिमेंट की स्थापना करीबन 200 साल पहले ही हो चुकी थी। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की बुनियाद ब्रिटिश काल के दौरान 18वीं शताब्दी में पड़ी। ये वह समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब एक ब्रिटिश निवासी सर हेनरी रसेल को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट बनाने का श्रेय दिया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट की जड़ें हैदराबाद से जुड़ी हैं। माना जाता है कि 1794 में इस रेजिमेंट का नाम रेनिट कोर था। करीब 20 साल तक कुमाऊं रेजिमेंट हैदराबाद रेजिमेंट का एक हिस्सा था और निजाम की 19वीं रेजिमेंट हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कई अहम लड़ाइयां इन्होंने लड़ी। फिर इसका नाम बदलकर कंटिजेंट रख दिया गया। सन 1903 में इस रेजिमेंट को भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। हालांकि 27 अक्टूबर 1945 को इस रेजिमेंट का नाम पूरी तरह से बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। कुमाऊं रेजिमेंट के आधिकारिक चिन्ह पर शेर बना हुआ है, जो एक क्रॉस का निशान पकड़े हुए है। असल में शेर को निडर जानवर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट के आधिकारिक चिन्ह पर शेर को दर्शाया गया है, जो कुमाऊं रेजिमेंट की बहादुरी व जज्बे को दर्शाता है। भारत की आज़ादी से पहले कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अनेक कुर्बानियां दी। कुमाऊं रेजिमेंट ने इंडो नेपाल युद्ध के दौरान गोरखा और अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कुमाऊं रेजिमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेवाएं दी थी। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का सैन्य मुख्यालय है। यहीं पर कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग के साथ तैयार किया जाता है। पहाड़ों के बीच बने इस मुख्यालय में कुमाऊं रेजिमेंट की भर्ती में शामिल होने वाले लड़कों को सरहद की सुरक्षा की बारीकियां सिखाई जाती है। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवान देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे देते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में रंगरूटों की भर्ती उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से होती है। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से भी इसमें लड़के भर्ती होने के लिए आते हैं। इस रेजिमेंट के पास कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो भारतीय सेना के नाम को बुलंदियों तक पहुंचाती है। भारत को पहला परमवीर विजेता देने वाली इस कुमाऊं रेजिमेंट ने ही भारत को 3 बार थल सेना अध्यक्ष भी दिए हैं। 13 अप्रैल 1984 का दिन आखिर कोई भारतीय कैसे भूल सकता है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मात देते हुए कश्मीर की सियाचिन की बर्फीली पहाड़ी पर शान से तिरंगा फैलाया था। ऑपरेशन मेघदूत नाम इस सैन्य मिशन में भारतीय सेना ने सियाचिन की बर्फीली चोटी पर दुश्मनों के खून से जीत की गाथा लिख दे दी। 4th कुमाऊं रेजिमेंट ने ऑपरेशन मेघदूत का शुभारंभ किया और सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी दुश्मनों को खदेड़कर उस पर दोबारा अपना कब्जा कर लिया। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना का एक चमकता सितारा है। मेजर सोमनाथ शर्मा भी इसी रेजिमेंट के एक सितारे हैं, जिन्होंने इसका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा दिया। इंडियन आर्मी की प्रत्येक रेजिमेंट का अपना एक आधिकारिक युद्ध नारा व आदर्श वाक्य होता है। ठीक उसी प्रकार कुमाऊं रेजिमेंट का भी अपना एक वाक्य है, पराक्रमो विजयते, जिसका मतलब बहादुरी की विजय होती है। वहीं इस रेजिमेंट का युद्ध नारा है, कालिका माता की जय। कुमाऊं रेजिमेंट की 1948 को कश्मीर के बड़गांव से शुरू हुई वीरता की चाल और अन्य बहादुरी ने कई पुरस्कार अपने नाम किए। इसके बाद चीन की बारी आई तो 1962 को लद्दाख और नेफाक में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की 40 कंपनी ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए। कुमाऊं रेजिमेंट को अभी तक 2 परमवीर चक्र, 13 महावीर चक्र, 82 वीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 43 शौर्य चक्र, 6 युद्ध सेवा पदक, 14 से ज्यादा परम विशिष्ट सेवा मेडल, 32 से ज्यादा अति विशिष्ट सेवा पदक, 59 से ज्यादा विशिष्ट सेवा पदक और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इस रेजिमेंट को 2 पद्म भूषण अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो साथियों, पिछले लगभग 225 सालों से सेवा में तत्पर कुमाऊं रेजिमेंट की 21 से अधिक बटालियन पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट और हमारे देश के सभी जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।